हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड ब्लॉग्स बाय सोनी में। और मैं हूँ सोनी। और चलिए, बच्चे मेरे कुछ कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं। क्या उगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं घर में, कुछ उगा रहे हैं। और कमल उगाया है, तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं कैसे कमल उगाया उन्होंने। और ये ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोग कमल उगा रहे हैं। अच्छा, देखे कैसे उगा रहे हो, खाओ आप इसका कमल है। और इतनी धूप में अभी पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, अब नहीं जगह। ओह गॉड, इतनी धूप, क्या कर दिया ये कमल, दिखाओ कैसे उगाया, दिखाओ चुमन। अभी पेड़ अभी जब लगाएंगे ना, जब ये ऊपर तैरेगा तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, ट्रांसफर करें वो तो ये जाम नहीं हो जाएगा, ऊपर से मिट्टी फेंक रहे हो, पाए पाए मिट्टी जम जाएगी चुनमुन। अरे मिट्टी ये रही। अच्छा, ये देखो, ये जो कमल गट्टा आता है ना, कमल गट्टा, उसको घिस के इसने उगाया था कमल, और इसे मिट्टी में लगाया था, है ना चुनमुन, ऐसे ही किया था। हाँ, और ये उग गया है, तो अभी ये उग जाएगा अपने आप। हाँ, अब तो उग ही गया है। और यहाँ पे देखो, हम ऐसे रख देंगे इसमें। अच्छा, वाह गोपल, दिखाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज है, दिखाओ। ऊपर से पानी डालेंगे। ये देख लो, हमारे घर में सब जितने भी बच्चे से लेके पापा से लेके बच्चे सब गार्डनिंग के बड़े शौकीन हैं। और यहाँ पे देखो, ये देखो सच में कई कमल है, कमल गट्टे से उसने कमल उगाया है। अभी देखो आपको दिखाते हैं, इसने यूट्यूब पे देखा था, है ना चुनमुन। हाँ, वैसे ही हुआ है। अभी लंबी लंबी, दिखाओ इधर, इधर दिखाओ के पास में लाके। अभी ऊपर जब फ्लोट करे ना तब दिखाना। अभी तो तीन तीन पत्ती है, ये दिखा। वाह बिल्कुल बहुत सही, ये बहुत बड़ा था पर ये सूख गया। देखो भाई कितना ये अच्छा, देखो बच्चे भी आजकल गार्डनिंग करने लगे हैं, और साई तो बहुत ज्यादा है। देखो अभी धीरे धीरे साई, थोड़ा हटो, दूर हटो। अभी ये और बढ़ेगा ना चुनमुन, अभी तो बहुत बड़ा होगा जब तक। अच्छा जाओ गोपाली, क्या करने जा रहे? चुनमुन कह रहा है, हाँ इसे पानी और भर दो। अच्छा अच्छा, जाओ लेके आओ। अच्छा पानी, देखो जो चुनमुन का साथ दे रहे हैं, पूरा पानी भर के लेके आ रहे हैं। तो चुनमुन और क्या क्या उगाते हो? और मेरे घर में ना पापा भी गार्डनिंग करते हैं, वो भी उगाते हैं, वो बगिया किसी किसी को अगर देखनी है तो बताना मुझे, दिखा दूंगी मैं। हाँ अब बताओ, तो ये ऐसे तैरेगा? हाँ, yes. अभी जब ये मिट्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, हाँ तब ये अच्छा और दिखेगा, अभी तो गंदा है, अभी बहुत अच्छा। ये देखो आप लोग देख लो, अगर आप उगाना चाहते हो तो इस तरीके से उगा सकते हो। चुनमुन एक दिन बताना पूरा प्रोसेस करके, ठीक है? ठीक, अभी मैं आज ही नया और उगा दूंगा। ठीक है, तो बताना मुझे, ठीक है? अगर आप लोगों को उगाना है तो इस तरीके से आप जो है उगा सकते हैं कमल को घर पे ही। गोपाल जी आपने क्या उगाया कह रही हूँ, सॉरी, आपने क्या उगाया? अनियंस। कहाँ पे है अनियंस, दिखाओ। चलो अच्छा बाद में देखेंगे, अभी दादी सो रही हूँ, उधर मत जाओ, अभी मत जाओ। तो अभी जैसे कि आपने देखा कमल कैसे उगाते, और अभी दोनों लोग लगे पड़े हैं बालकनी साफ करने में, क्योंकि गंदी कर दी है, आप लोगों ने देख ही लिया। तो अब दोनों बच्चे जो लगे हैं बालकनी को साफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर साफ नहीं की तो दादी को इनको अच्छे से बताएंगी, एक की नानी और एक की दादी, तो दोनों को अच्छे से बताएंगी। तो दोनों लगे पड़े हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, साईं बहुत अच्छी आर्ट भी बनाता है, और गोपाल जी की तो आपने देख ही ली, और साईं की भी बहुत अच्छी आर्ट है। साईं मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसके नाम चुनमुन भी है, साईं भी है, और यस भी है, तीन तीन नाम है, तो किसी भी नाम से जो मुँह से निकल जाता है वो बुला लेते हैं, बस ज़्यादातर मैं चुनमुन कहती हूँ, प्यार से चुनमुन कहते हैं सब लोग इसे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसकी आर्ट भी, बहुत अच्छे अच्छे आर्ट बनाता है राधा कृष्ण, और कलर भी बहुत अच्छे अच्छे करता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, तो साईं दिखाओगे ना अभी अपनी आर्ट? हाँ, पहले अभी हाथ को बहुत गंदे गीले। हाँ ठीक है, साफ कर लो वरना फिर नानी डांटेगी, है ना। हाँ तो बच्चे हैं, क्या करें ना, कमले में कर दिया। अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको डाल देंगे, ऊपर से पानी भर जाएंगे जिससे पत्ती फ्लोट करें। अच्छा फिर आप लोग देखिएगा, ठीक है? अभी मम्मी सो रही हैं, और तो ये लोग बच्चे भी क्या करें, कहीं जाना आना रहता नहीं है, क्लास और क्लास से पूरा दिन क्या करें, टीवी कितनी देखें, तो अपना वो ऐसे ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो सही है ना, बिजी रहेंगे तो कुछ सीखेंगे ही।
और गोपाली भी सीख जाते हैं थोड़ा बहुत, इनको भी बहुत शौक है, ये कहीं जाएंगे लहसुन का जो लहसुन होता है ना उसको ले जाएंगे और उसको ले जाके गाड़ देंगे, कहीं प्याज ले जाएंगे पूरा उठा ले जाएंगे उसको गाड़ देंगे मिट्टी में गमले में जो पापा ने अपना बगिया बना रखी है एक उसमें। तो बच्चे हैं देख के ही सीखते हैं सब कुछ। तो सभी लोग ये बताओ मैंने ये जो कलर का सूट पहना है ना ये थोड़ा सा पैरेट कलर इसे बोलते हैं पैरेट कलर, ये जो सूट पहना है इस कलर ये वाला जो कलर है किसको किसको पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा ये कलर पसंद है और मैं देख रही हूँ एक सूट मुझे ऐसा मिल जाए क्योंकि मुझे एक मेकअप लुक क्रिएट करना है और मिल जाएगा ढूंढने से, अभी तो नहीं मिल रहा है फिलहाल, देख रही हूँ फ्लिपकार्ट या मीशो पे किसी पे मिल जाए तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे सेम कलर नहीं मिल रहा है जैसा कि मैं चाह रही हूँ, वैसा कलर मुझे नहीं मिल रहा है। तो जब तक वैसा कलर नहीं मिलेगा तब तक मज़ा भी नहीं आएगा ना। तो क्योंकि अभी हरियाली तीज आने वाली है, हरियाली तीज बोलते हैं क्या बोलते हैं वो आने वाली, हाँ हरियाली तीज वो आने वाली है, तो उस पर जो है मेकअप लुक क्रिएट करना मुझे। तो अगर आप लोग देखना चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जितने लोग एग्री करेंगे तो मैं ज़रूर क्रिएट करूँगी, कोशिश करूँगी करने की, है ना। तो ये देखो ये साईं की जो है आर्ट है और इसने बहुत अच्छी अच्छी बनाई थी। एक तो जो बहुत बोलते जैसे क्या बोलते साईं वो बनाई थी जो यहाँ पर टंगी थी काली देवी की थी देवी जी की थी वो बहुत ही सुंदर थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पता नहीं इसने क्या कर दी। और ये देखो ये कौन है साईं? वंडर वूमेन, वंडर वूमेन देखो। और ये साईं आप कितने भैया रोल लो बताओ? मैं 11। हाँ और ये देखो ये बहुत छोटे से जब भी छोटा था ना तभी से इसको आर्ट का बहुत शौक है। तो ये देख लो आप कितनी अच्छी और कितना अच्छा कलर किया है। और उसके बाद देखो ये क्या बनाया? ये भी सुपर हीरो की है। ये देख लो ये सुपर हीरो है, ये देखिए आप। और उसके बाद ये देखो राधा कृष्ण कितने अच्छे बने हैं, आप देखो एक छोटा सा बच्चा कितनी अच्छी आर्ट बनाता है, ये देखो आप। और मुझे ये बहुत अच्छे लगे, एक इसने वो दुर्गा जी की बनाई थी वो ऐसा लगता था जब भी उसको देखो कि सच में दुर्गा जी देख रही हैं हमको, बहुत अच्छी। साईं बनाना वो वाली यार, ठीक है वो एक पेंट कलर से बनाई थी एक्वेलिक से। हाँ और उसके बाद ये तो ऐसे ही है, ये क्या है? क्यूपिड। क्यूपिड क्या होता है? अरे ये भी कार्टून करेक्टर है। अच्छा ये भी कार्टून करेक्टर है, अच्छा देखो आप। और इसको रोम के लोग जानते हैं, ये वहाँ का यानी कि वहाँ पे उसको भगवान कहते हैं। अच्छा कार्टून भी है। उसके बाद ये क्या है? ये तो मैंने ऐसे ही लिखी है नोबल। अच्छा नोबल लिखी है। और ये तो दिखाती है। अच्छा वो हनुमान जी कहाँ चले गए? वो हनुमान जी तो कहीं टांगे दिए हैं, वो रख दिए हैं फोटो फ्रेम। ये देखो ये बनाया इसने, ये क्या चिपकाया है इसमें? ये वो है वुड के छोटे छोटे पीसेस। अच्छा ड्रेस बनाई है पूरी है। इसको कोई भी पन्ना मिल जाता कुछ भी मिल जाता ये आर्ट बनाता है। और देखो ये जो है ना ये जो टेडी बियर है ये टेडी बियर इसके पास है, इसने सेम बनाया है सेम ऐसा ही टेडी बियर गोपाल जी के यानी कि डॉगी है, ये डॉगी वाला टेडी बियर है तो इसके पास भी है और गोपाल जी के पास भी है, दोनों लेके सोते हैं अपना टेडी बियर और सेम बनाया है सेम। मैं आपको दिखा दूँगी साईं, दिखाना आके अपने सेम उसी बिल्कुल सेम शक्ल उसकी बनाई है, फेस बनाया है इसने। ये देखो अभी मैं बैक कैमरे से दिखाऊँगी कौन सा टेडी बियर। और ये क्या है साईं? ये वर्ली आर्ट है। ये क्या होता है? अरे ये बच्चों को कराई जाती है स्कूल प्रोजेक्ट है वर्ली आर्ट, जैसे आदिवासी नहीं होते थे पहले के। हाँ अच्छा 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 चलो ये हो गया। और क्या बनाया है? और ये कौन है? मम्मी की आर्ट। अच्छा हाँ ये मम्मी की आर्ट बनाई है। हाँ लग तो रही है सेम सेम, देखो कितना अच्छा। इसने बहुत अच्छी अच्छी आर्ट बनाई थी लेकिन पता नहीं इसकी फट गई क्या साईं? मुझे ज़्यादा आर्ट हनुमान जी की दुर्गा जी की बहुत अच्छी अच्छी इसने बनाई थी। दुर्गा जी की तो है, कहाँ है दिखाओ जल्दी दिखाओ, वही तो मेरी सबसे फेवरेट है, दुर्गा जी की दिखाओ। अभी तो मुझे खांसी आ रही है जल्दी दिखाओ। अभी तो वो गायब है, ये तो है ब्रह्मा जी की बड़ी प्यारी लगती है। ये देखो वो दुर्गा जी जो थी ना वो मुझे बहुत अच्छी थी, सोल्जर वाली ले आओ जो कमरे में सोल्जर की लगी है तुमने, जो सोल्जर बनाए गोपाल जी वो सोल्जर वाली ले आओ मेरी जो एक सोल्जर वाली है दोस्तों, बहुत अच्छी आर्ट है इसकी और मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी आर्ट। तो मैं अभी आपको सोल्जर वाली दिखाती हूँ। ये क्या है चुनमुन? ये ब्रह्मा जी बनाए। अच्छा ये ब्रह्मा जी हैं, वाह कलर भी बहुत अच्छे अच्छे देता है, जबकि इसको ना डांट पड़ती रहती है, आर्ट बनाता रहता है ना इसको डांटते रहते हैं हम लोग, आर्ट मत बनाया करो पढ़ा करो, लेकिन ये अच्छी बनाता है बहुत अच्छी आर्ट बनाता है और ये पढ़ता भी है, देखो पीछे से कह रहा है। ये देखो ये सोल्जर है और ये साईं ने बनाए हैं। नहीं ये मैंने बनाए। नहीं ये साईं ने बनाए हैं, देखो लिखा है यश। ये देखो
देखो कितनी अच्छी आर्ट है। और ये गोपाल जी ने बनाया है, और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इतना छोटा है ये, और उसके हिसाब से बहुत अच्छे कलर देता है, और अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है ये जो ये बनाता है। मैं एक दिन ये खुद जब बनाएगा ना सारे कलर, ये मेरी फेवरेट है मैं, हाँ तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। और गोपाल जी की तो आपको पता ही है, नोटी नोटी आर्ट होती हैं। ये देख लो आप, ये देखो ये गोपाल जी की आर्ट है, और गोपाल जी वैसे ही ढूंढ ढूंढ के चिपकाते भी हैं नोटी वाली आर्ट। ये देखो, तो चलो इनकी आर्ट दिखा दी। और साई टेडी बियर और दिखा दो, वो टेडी बियर कहाँ है जो आपने बनाया था? हाँ ये देखो, ये टेडी बियर है जो अभी इसने बनाया है, ये वाला, ये देखो सेम वही बनाया है टेडी बियर। ये देखो आप देख लो, ये देखो ये टेडी बियर जो बनाया है ये सेम है, ये गोपाल जी वाला है, मेरा वाला थोड़ा अलग है। ये देख लो आप, है ना सेम, इसने सेम मतलब कोशिश की है पूरी बनाने की। ये देखिए, ये देखो बहुत ही अच्छी आर्ट है। तो चलो साई रख लो, और सब लोग बताना बच्चे की आर्ट आप लोगों को कैसी लगी, बहुत अच्छी बनाता है ये। तो मैंने कहा, जो कह रहा था कि मामी मेरी भी दिखा दो, तो मैंने दिखाया इसको, वो भी ये भी कह रहा था मामी मैं बना के दिखाऊंगा, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कभी जब ये बनाएगा, ठीक है ना। तो अब खुश हो ना साई, है ना। अब देखो कमेंट करना भाई मेरे साई के लिए अच्छी अच्छी, जिससे कि उसको खुशी मिले थोड़ी सी। इसकी तो मैं फ्रेम करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल कराना, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो का करते हैं हम एंड, तो साई बाय बाय कर दो सबको, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को लाइक करिए। हाँ, और इसकी आर्ट जो बनाई है उसको भी प्लीज आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताना कैसी बनाता है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो बताना। एक दिन ये बनाकर दिखाएगा, इसको बहुत अच्छा लगता है आर्ट बनाना। और ये कह भी रहा था कि मामी मैं बना के दिखाऊंगा, आप प्लीज़ मेरी वीडियो बनाना, तो मैंने कहा ठीक है बनाओगे। अच्छा क्या बना के दिखाओगे ये बताओ। जैसे अभी 15 अगस्त आ रही है, तो हाँ, कुछ रिपब्लिक पे बनाऊंगा। ठीक है बनाना, और गोपाल जी को भी सिखाना, ठीक है। ओके हाँ ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।